हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं कुशल क्लासेस। ओके, तो देखिए अब बारी है 0 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो 0 डिग्री का मतलब है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर चलते हैं, पहले इस चीज को समझना होगा हमें। मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ एक थीटा कोई एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो 10, 15, 20 कितने भी डिग्री का हो सकता है। ओके, हमें क्या चाहिए कि ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है जैसे ये हमारी बेस और ये हाइपोटेन्यूस, इन दोनों के बीच यहाँ कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। यानी कि अगर 10 डिग्री है तो कुछ गैप होगा इसमें, 15, 20, 60 इस तरह से एंगल बनता जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 डिग्री पर काम करना है, तो इसके लिए हमें ये जो गैप है वो गैप को खत्म करना होगा। यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस अगर बेस पर ही आ जाए तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस हाइपोटेन्यूस को कम करता हुआ चलते हैं, इसको और कम करेंगे, यहां हमारे पास बन रहा है। तो इसको जैसे जैसे हम काफी क्लोज लाते जाएंगे, हमारे पास हर जगह यहां पर 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये हमारा बेस और यहीं से इसको हम क्या करें, हाइपोटेन्यूस भी इसी के ऊपर ही बन रही है। ये मान लीजिए ए बी सी, ये भी ए बी सी। तो अभी देखिए कि हमने क्या नोटिस किया कि यहां पर जो सी पॉइंट था वो सी पॉइंट बी पॉइंट के क्लोज होता हुआ जा रहा है। तो आखिरकार वो क्या होगा, वो सी पॉइंट इस बी पॉइंट के ऊपर ही आ जाएगा। यानी कि इधर हमारा बी पॉइंट भी है और सी पॉइंट भी है। ओके, तो ऐसे में हम क्या नोटिस करेंगे कि जो बेस था यानी कि ए बी, उसकी लेंथ, और जो हाइपोटेन्यूस थी ए सी, उसकी लेंथ, दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। ओके, यानी कि हमारा जो बेस और जो हाइपोटेन्यूस है वो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे में एक चीज और नोटिस कीजिए कि जो परपेंडिकुलर है, जिसकी यहां कुछ लेंथ थी, फिर कुछ लेंथ और कम हो गई, फिर लेंथ और कम हो रही है और कम हो रही है, और यहां आकर बी और सी के बीच में जो गैप है यानी कि बी सी, वो क्या हो गया, यहां आकर 0 यूनिट। यानी कि ये हमारे पास जो गैप था बी और सी के बीच में वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। यानी कि जो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसी की हेल्प से अब आप नोटिस करेंगे कि किसी भी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, लेकिन अब यहां देखिए कि जो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर की लेंथ तो कितनी है, 0। हाइपोटेन्यूस की लेंथ यहां कुछ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, उसको हम फिलहाल यहां पर ए बी, या क्योंकि हाइपोटेन्यूस है तो उसको ए से ही बोल देते हैं। अब 0 को कोई भी लेंथ अगर डिवाइड करती है तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 0 आएगा। यानी कि साइन 0 डिग्री पर कितना रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है। इन द सेम वे आप कोस 0 को फाइंड आउट कीजिए। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए जो बेस है वो बेस क्या है, ए बी, और जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। लेकिन इस कंडीशन में हमने क्या नोटिस किया कि जो बेस और हाइपोटेन्यूस है वे तो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। यानी कि हम बेस ए बी की जगह ए सी ही लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप टेन 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फिर से हमारे पास क्या है, 0 अपॉन बेस। बेस यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेंथ आएगी यहां, और वो भी क्या रिजल्ट देगा हमें, 0। तो इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री पर क्या रिजल्ट देगा। अब देखिए कोसेक जो है, इस पोर्शन को रब कर देते हैं यहां, यहां करके देखते हैं कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है। तो देखिए कोसेक 0 डिग्री, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस की लेंथ हम ए सी लेकर चल रहे हैं जो कि कितनी भी हो सकती है, और परपेंडिकुलर जो है वो फिलहाल कितना है, जीरो। अब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या बोला जाता है, उसका रिजल्ट बोला जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं कि किसी भी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड करें तो उसका एक्चुअल में क्या रिजल्ट आएगा, तो उसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है कि हमें उसका कोई आंसर नहीं पता। इन द सेम वे sec 0 degree, 0 degree वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और ये दोनों ही इक्वल हैं, यहां से रिजल्ट क्या आएगा 1 cot 0 degree, ये हमारे पास क्या होता है tan का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है हमारे पास, AB परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर के 0 वैल्यू, फिर से वही लॉजिक, डिवाइड कर रहे हैं किससे, किसी 0 से, तो यहां रिजल्ट क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो ये भी नॉट डिफाइंड आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो की 0 डिग्री पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब लास्ट में कौन बचता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर किस तरह से काम किया जाए वो भी अब देखते हैं। फिर से वही एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके देखते हैं, नेम जस्ट नेम इट एबीसी, ओके, और ये एंगल फिलहाल हमारे पास थीटा है, जो कि हम चाहते हैं अब कितने डिग्री का हो जाए 90 डिग्री का, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रेट कब हो सकती है, देखिए अगर हम इस ए को धीरे धीरे यहां शिफ्ट करते हुए चले, ठीक है, हमारा सी वही है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां जो एंगल है वो एंगल अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब मान लीजिए यहां ए आ गया, अब इसको ज्वाइन कर रहा है, ये 90 डिग्री पर ही बन रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो ए पॉइंट है इस बार वो बी पॉइंट के नजदीक आता जा रहा है, ये और क्लोज आएगा और क्लोज आने से ये देखिए जैसे जैसे ये क्लोज आता जा रहा है तो यहां पर जो ये थीटा डिग्री है जो एंगल है वो क्या होता जा रहा है, और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो आखिर में जब ये जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट खुद बी पर ही हो जाएगा, तो वही हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस भी होगी एसी, और वही बीसी हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में, यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमारी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ओके, कि जो बेस का ए पॉइंट था वो बी के ऊपर ही आ गया, यानी कि सेम पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब फिर से वही वैल्यूज को फाइंड आउट करके देखिए कि साइन 90 डिग्री फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कौन है बी सी, और हाइपोटेन्यूस कौन है ए सी, लेकिन हम नोटिस करेंगे कि जो AC और BC वे दोनों ही आपस में क्या हो गई इक्वल, लेकिन यहां से किसकी लेंथ कम हो गई, लेंथ किसकी कम हो रही है, AB की लेंथ कम होती जा रही है, ये देखिए काफी क्लोज क्लोज एंड लास्ट में वो बिल्कुल खत्म हो गई, यानी कि AB की जो लेंथ है वो कितनी हो गई जीरो। तो अब ये देखिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है यहां BC, और हाइपोटेन्यूस कौन है AC, जबकि ये दोनों तो आपस में कैसे हैं इक्वल, इक्वल होने की वजह से कैंसिल किया जा सकता है और रिजल्ट क्या आएगा 1। फिर cos 90 डिग्री, cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कौन है इधर, बेस हमारे पास है AB, ये AB, और हाइपोटेन्यूस वही AC, लेकिन AB की वैल्यू तो अब कितनी हो गई जीरो, AC कितनी भी लेंथ का हो सकता है, तो ऐसे में इसका रिजल्ट क्या आ गया जीरो, यानी कि cos 90 डिग्री पर जीरो रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। In the same way, tangent 90 degree, tan 90 perpendicular upon base, perpendicular हमारे पास कितना है, perpendicular है BC upon base कौन है AB, जबकि अब ये देखिए कि इस बार base AB हमारे पास जीरो है, denominator में जीरो, it means result क्या होना चाहिए not defined, yes, okay, so बचे हुए values 90 डिग्री पे हमें फाइंड आउट करना है 90 डिग्री, तो क्या होगा कोसेक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1, जो कि रिजल्ट 1 आएगा, सेक
90 डिग्री कोस का रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1 अपॉन 0, इट मींस ये भी क्या रिजल्ट देगा, नॉट डिफाइंड, है ना। फिर कोट जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है और इसमें हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 अपॉन बीसी यानी कि 0 रिजल्ट। ओके, तो ऐसे हमने देखा कि किस तरह से सभी 6 रेशियोज की वैल्यू हम डिफरेंट इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब इनकी एक टेबल बनाकर देखते हैं और ये कोशिश करेंगे कि इनको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखा जाए। एक और दूसरा तरीका हम देखेंगे कि डायरेक्टली साइन की इन सभी एंगल्स पर वैल्यू कैसे निकालें।